Hello everyone, welcome back to my channel. I am Kashmira and I am here to share with you all my another video. So, आज क्या? क्या? आज कोई मतलब कोई प्लान नहीं था वीडियो बनाने का, कुछ भी नहीं था, कुछ मतलब कोई मूड भी नहीं था, कुछ मतलब सोचा भी नहीं था कि बनाना है कि नहीं. तभी तो देख लो मेरी हालत क्या है, बालों की हालत क्या है, चेहरे को देखो, कुछ भी नहीं लगाया. मतलब एंड आई हैव नथिंग ऑन माय फेस, नथिंग, सिर्फ हल्की सी लिपस्टिक लगाई है, टिंट लगाया बस, और कुछ भी नहीं लगाया. तो आज मैं क्या कर रही थी, तो बताइए मैं क्या कर रही थी. मैं कर रही थी कुछ जादू, कुछ कमाल हाथों का. हाँ जी, मैं बना रही थी खाना, कुछ यम्मी सा, कुछ डिलीशियस सा. तो मम्मी की डांट पड़ी है आज. मम्मी का फोन आया था, बोल रही थी बेटा तेरे सारे वीडियो देखती हूँ, लेकिन बेटा खाली लगाने से थोड़ी कुछ होता है. मम्मी ने बोला लगाने से कुछ नहीं होगा, पहले खाओ, अच्छा खाओ, उसके बाद फिर लगाओ. तो मैंने बोला अच्छा ऐसा आएगा, तो बोलती है हाँ बेटा जाओ किचन में, मैं बताती हूँ, आप वैसा खाना बनाओ, वो चीज़ बनाओ. मैंने एक्चुअली उनको कॉल किया था कि मैंने ये वेजिटेबल परचेज की है, ये लाई है, तो यार बताओ ये कैसे बनानी है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता. तो फिर उन्होंने बोला ठीक है चल तो स्टार्ट कर, मैं बता देती हूँ मैं. तो फिर मैंने बोला यार मम्मी ज़रूरी है क्या? उन्होंने बोला हाँ बेटा, 2 मिनट की मैगी से कुछ नहीं होता, वो भी एक्चुअली 2 में नहीं 5 मिनट में बनती है, वो भी सिर्फ ऐसे मसाला डाल के बनाओ. तो बोलते कि उससे कुछ नहीं होता, और भी बहुत कुछ चाहिए खाने के लिए. मैंने बोला बात तो ठीक है यार, मम्मी है, कभी गलत हो ही नहीं सकती. तो फिर मैंने बोला ठीक है चलो बनाते हैं कुछ अच्छा सा. तो जैसे जैसे उन्होंने बताया वैसे वैसे मैंने बना लिया. और मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मतलब वो चीज़ इतनी टेस्टी बनी थी, और इतनी टेस्टी बनी थी. तो मैं क्या कर रही थी, मैंने बनाया, एक्चुअली मैंने बाल ना ऐसे बांध के रखे हुए थे ऊपर. तो फिर मैंने सोचा यार कि मैं शूट कर लिया था, पहली बार बना रही है, दिखाना तो बनता है सबको. तो फिर मैंने सोचा यार कि चलो कुछ मतलब शूट कर लिया, अब क्या करूँ, अब मतलब आगे शूट कैसे करूँ, स्टार्ट कैसे करेंगे. तो फिर मैंने सोचा बाहर में गया यार, मेकअप शेकअप मतलब रहने, तो एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि लाइफ में पहली बार ऐसी चीज़ बनाई. तो फिर मैंने सोचा चलो मैं बस ऐसे बाल खोलती हूँ, हल्की सी लिपस्टिक लगाई और बस बैठ गए कैमरे के सामने की दिखाऊंगी आज तो मैं लोगों को कि मैंने कैसी बनाई है, क्या बनाया. तो बहुत हो गई बातें, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो. और अगर आपको मेरी रेसिपी जो लाइफ में मैंने पहली बार बनाई है पसंद आए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, और अगर बहुत ज़्यादा 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 पसंद आए देन शेयर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, सो दे कैन यूज़ माई ट्रिक्स टू मेक सम यम्मी एंड डिलीशियस थिंग टू ईट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. कम 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 कम. तो चलिए दोस्तों बनाते शुरू करते हैं. तो आज मैं बना रही हूँ परवल की सब्ज़ी. हाँ गाइस, परवल. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परवल को धो लेंगे, उसके बाद उसको 4 टुकड़ों में काट लेंगे, छीलना नहीं है उसको. उसके बाद 2 टमाटर काटेंगे, थोड़े दो एक ही है बड़ा सा प्याज है, मीडियम साइज़ के 2 हैं. तो उस एक छोटी सी लाल मिर्च है जो हरी थी पर रेड हो गई, और लहसुन और अदरक का पेस्ट है, मैंने कूट लिया है, पेस्ट वैसे नहीं बनाया, कूट लिया है. उसके बाद कढ़ाई में हम क्या करेंगे, तेल डालेंगे, क्योंकि हमें परवल को सबसे पहले हल्का सा फ्राई करना है, ताकि यू नो जो इसकी स्मेल आती है अजीब सी वो ना आए. तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसको परवल को हल्का मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है 5 से 7 मिनट तक के लिए. 5-7 मिनट तक के लिए हम इसको धीरे धीरे स्टर करते हुए आसानी से फ्राई करेंगे धीरे धीरे. प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा परवल डालते टाइम, क्योंकि ना छींटे बहुत लगते हैं, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा डालते, थोड़ा सा दूर से ही डालिएगा. उसके बाद हम इसको धीरे धीरे करते हुए 5 से 7 मिनट के लिए आराम से इसको पका लेंगे, जब तक कि हल्का सा गोल्डन, मतलब गोल्डन हल्का सा गोल्डन कलर ना आ जाए इसमें. और मैंने इसमें कोई हल्दी नहीं डाली है, कैमरे में पता नहीं क्यों येलो लग रहा है, पर मैंने इसमें कोई हल्दी वल्दी कुछ नहीं डाली, मैंने सिर्फ डायरेक्ट इसको ऐसे ही डाला है. तो बस इसको इसी टाइम पे इसको थोड़ा सा और हिला देंगे, हल्का सा घुमा घुमा के इसको मीडियम फ्लेम पे. ध्यान रखिएगा गैस को फुल नहीं रखना, मीडियम पे रखना है, तो
ताकि धीरे धीरे चारों तरफ से हल्की हल्की फ्राई हो जाए, वो जो स्मेल आती है वो ना आए। बस इसको फ्राई करते जाना है, उसके बाद आपको अच्छे से छान के, ताकि ऑयल ना आ जाए, एक्सेस ऑयल निकल जाए, अच्छे से छान के आपको डाल लेना है बाउल में, मतलब अलग से इसको निकाल लेना है। सारी की सारी अच्छे से छान के इसको आराम से आपको निकाल लेना है। और सॉरी गाइस, अगर थोड़ा कैमरा हिल रहा है तो एक्चुअली मैं एक हाथ से शूट कर रही हूँ, एक हाथ से बना रही हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा कैमरा ज़्यादा शेक हो रहा है, बट प्लीज़ बेयर विद मी। तो बस इसको अच्छे से पूरी की पूरी निकाल लेंगे, अच्छे से पूरी निकाल के रख देंगे। अब जो एक्सेस ऑयल था वो मैंने निकाल दिया है, उसी ऑयल में, बचे हुए ऑयल में मैंने एक तेज पत्ता, एक दो लाल मिर्च और एक क्या बोलते हैं इसको, हाँ, एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है। तो बस उसके साथ ही अच्छे से इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जैसे हल्के से फ्राई हो जाए वो, तो फिर अनियन डाल देंगे। अनियन आप चॉप कर सकते हो एकदम बारीक बारीक, लेकिन मैंने लंबे लंबे ही काट के रखे हैं, मुझे ऐसे ही पसंद है। तो बस उसके बाद इसको अच्छे से अनियन सारे डाल देंगे, और जो लाल मिर्च थी एक्चुअली वो हरी थी, तो उसको काट के भी डाल देंगे अनियन के साथ ही। कुछ लोग टमाटर के साथ डालना प्रेफर करते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है, क्योंकि वो अच्छे से पक नहीं पाती है उसमें टमाटर के साथ, तो मुझे अनियन के साथ ही डालना ज़्यादा बेटर लगता है, इसीलिए मैंने अनियन के साथ डाला है इसको। बस जब तक ये अनियन लाइट ब्राउन नहीं हो जाते हैं, तब तक हम इनको स्टर करते रहेंगे बस। और मीडियम गैस पे ही, मीडियम गैस पे ही आपको अनियन को पकाना चाहिए। हाई फ्लेम पे वो ऊपर से तो पक जाते हैं, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाते हैं, इसलिए मीडियम गैस पे ही आपको अनियन को स्लोली स्लोली पकाना चाहिए स्टर करते हुए। हाँ, तो बस आपको यही कलर चाहिए जो थोड़ा सा गोल्डन हो जाए, गोल्डन ब्राउनिश कलर। उसके बाद आपको अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देना है, ताकि बहुत अच्छा, मतलब टेस्टी लगता है। अदरक और लहसुन मस्ट होता है, मतलब इसकी जब बनाते टाइम इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, ओ माय गॉड। तो बस इसी के साथ आपको अदरक लहसुन के साथ पका लेना है अच्छे से। उसके बाद आपको जैसे ही थोड़ा सा अदरक और लहसुन भी पक जाए, हल्का सा ऑयल सेपरेट होने लग जाए अनियन से, उसके बाद आपको सारे के सारे जो टमाटर हमने चॉप किए थे, रफली चॉप किए हैं लंबे लंबे में, तो आप इसको काट देना। आप चाहो तो पेस्ट भी बना सकते हो, लेकिन पेस्ट के साथ इतना अच्छा नहीं लगता है। जो परवल होता है ना, उसी शेप में काटना है आपको, जैसे परवल आपने लंबे लंबे काटे हैं, वैसे ही आपको प्याज भी काटने हैं और टमाटर भी काटने हैं, एक ही शेप में रखना है, ताकि पकने में ना इक्वल टाइम जैसा ही लगे, कुछ आधा कच्चा पक्का ना रह जाए। उसके बाद बस आपको ये टमाटर डाल देने हैं इसके अंदर, और बस इसको पकने देना है, ढक्कन लगा देना है आपको, बस इसके अंदर आपको पकने देना है, ये पक जाए अच्छे से। बस उसके बाद मैंने अभी कुछ नहीं डाला, कोई मसाला नहीं डाला, जब ये अच्छे से पक जाए तो बस उसके बाद आपको देख लेना है टमाटर को तोड़ के अच्छे से स्पैचुला के साथ, कि अगर ये पक गया है तो इसके बाद बस आपको फिर से ढक्कन लगा देना, नहीं पकता तो आपको फिर से ढक्कन लगा देना। उसके बाद थोड़ा सा पक जाए, आधा पक जाए ना, तो उसके बाद आपको ये लाल मिर्च डाल देनी है थोड़ी सी अपने टेस्ट के हिसाब से, और आधी चम्मच ये डालनी है, हल्दी डालनी है बस। उसके बाद थोड़ा सा टेस्ट के, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देना आपको, बस इतना ही डालना है। उसके बाद आपको अच्छे से इसको मिक्स कर देना है, अच्छे से मिक्स करते हुए जाना है। पानी नहीं डाला हमने भी पहले, थोड़ा सा मसाला इसके साथ ही पकाएंगे, मसाला इसके टमाटर के साथ ही पकाएंगे। उसके जैसे पक जाए तो उसके बाद आपको थोड़ा सा पानी डालना है, ताकि जो मसाले टमाटर के साथ पके हैं वो उसके पानी के साथ और अच्छे से पक जाए, ताकि ग्रेवी अच्छी बन जाए। अगर ग्रेवी अच्छी होगी ना तो आपका खाना टेस्टी बनता है, सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो बस इसके बाद आपको ढक्कन लगा देना है, ताकि ये अच्छे से पक जाए, जब तक कि इसके अंदर तरी ना आ जाए, एकदम पूरा ड्राई ना हो जाए, ऑयल सेपरेट ना होने लग जाए, तब तक आप उसको ढक्कन लगा के रखें। देखिए देखिए कितना अच्छा, मतलब पक गया है, पूरा पानी ख़त्म हो गया है इसका, और पूरा ऑयल सेपरेट होने लग गया है इसमें से। उसके बाद बस आपको इसके अंदर परवल डाल देनी है जो हमने फ्राई की थी। बस आप परवल डालने के बाद आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करते हुए रहना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, एकदम हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है, वरना परवल फ्राई की है तो वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, अगर आप ज़्यादा मिक्स करोगे तो सब्ज़ी पूरी की पूरी हलवा बन जाएगी, तो ये हमें नहीं चाहिए। हमें मतलब दिखना चाहिए कि परवल तो है कम से कम। तो आपको बस हल्का सा इसको फ्राई करना है,
मतलब मसाले के साथ ही भून लेना है। पानी नहीं डालना, एक बूंद भी पानी नहीं डालना, क्योंकि ऑलरेडी हमने मसाला पका लिया है पानी में। बस अब पानी नहीं डालना है, अब आपको बस इसके अंदर इसको पकने देना है 5 से 7 मिनट तक। और आप ढक्कन लगा दीजिए इसको अच्छे से, और थोड़ी देर के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे ही थोड़ा सा स्मेल आने लग जाए अच्छी सी पकने की, तभी आपको इसको ढक्कन हटा के इसको बस हल्का सा पका लेना है। और फिर से हिला देना इसको, स्टर फ्राई करने स्टर कर देना है इसको अच्छे से, ताकि पूरा मसाला अच्छे से कोट हो जाए पूरी की पूरी सब्ज़ी के ऊपर। और उसके बाद बस आपको अच्छा लगेगा तो ट्राई कर लेना, खानी है ऑब्वियसली खानी है। तो देखिए मेरी सब्ज़ी तैयार है बिल्कुल बन के, टेस्टी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी। सबको अच्छी लगी, आपको भी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।